हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगोरा चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट पर माय लिस्टिंग टैब में क्या क्या ऑप्शन होते हैं और उसका क्या क्या यूजेस है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। आपको अपना फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट लॉगिन करना है और उसमें लिस्टिंग से माय लिस्टिंग पर क्लिक करना। उसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको एक्टिव लिस्टिंग शो होती है कि कितनी आपके अकाउंट में एक्टिव लिस्टिंग है। एक्टिव लिस्टिंग में जो आपकी लाइव लिस्टिंग है और जिसमें स्टॉक्स वगैरह सब कुछ अपडेटेड है, तो ये नंबर शो करता है यहाँ पर कि कितनी हमारे अकाउंट में एक्टिव लिस्टिंग है। रेडी फॉर एक्टिवेशन, कोई लिस्टिंग ऐसी है जो जिसे हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं, तो वो कितने हैं उसका नंबर हमें यहाँ शो होता है। फ्लिपकार्ट ने कोई लिस्टिंग ब्लॉक कर दी है तो उसका नंबर यहाँ पर विजिबल होता है। इनएक्टिव लिस्टिंग कितनी है हमारे अकाउंट में वो यहाँ शो होती है। और आर्काइव लिस्टिंग, फ्लिपकार्ट में हम लोग डायरेक्टली कोई भी लिस्टिंग डिलीट नहीं कर सकते, हम उसे आर्काइव लिस्टिंग में एड कर देते हैं। फिर यहाँ रिकमेंडेशन दिखा रहा है ऑल लिस्टिंग प्राइस में, यहाँ कुछ रिकमेंडेशन हम लोगों को दिया गया होगा। ये देखो, ये रिकमेंडेशन दे रखा है कि अभी हमारा करंट प्राइस कितना है और ये हमें कितना प्राइस रिकमेंड कर रहा है। अगर मुझे ये लगेगा कि इस प्राइस पर मैं सेल कर सकती हूँ तो मैं उसमें डायरेक्टली अप्लाई पर क्लिक कर दूंगी और ये प्राइस अपडेट हो जाएगा। रिड्यूस रिटर्न्स, अब मेरे कुछ प्रोडक्ट्स जो गए हैं इस सेलर के, उसमें ये जो इसके SKUs हैं, 5 SKUs, उनका रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसके लिए फ्लिपकार्ट ने सजेशन हम लोग को दिया गया है। तो अभी क्लिक करेंगे हम लोग ऑल लिस्टिंग पर और ऊपर हमें यहाँ शो होता है एड न्यू लिस्टिंग। अगर आप लोगों को ये जानना है कि फ्लिपकार्ट पर न्यू लिस्टिंग कैसे ऐड करते हैं, तो उस पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक मैं आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी, आप वहां से वो वीडियो चेक कर सकते हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमें कैटेगरी दे रखी है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में लिस्ट हो रखा है। तो इस सेलर की क्लोथिंग कैटेगरी में एक फॉर्मल वियर है और दूसरा टॉप वियर की कैटेगरी में इसने लिस्टिंग कर रखी है। किस ब्रांड से आपने लिस्ट कर रखा है। लिस्टिंग प्राइस, अगर प्राइस के टैग के अकॉर्डिंग मुझे चेक करना है कि मुझे इस रेंज तक की मेरे सारे प्रोडक्ट शो कर दो, तो मैं यहाँ से मिनिमम इसका एक प्राइस सेट कर दूंगी कि अगर मेरे अकाउंट में किसी भी लिस्टिंग का प्राइस 251 से मैक्सिमम 599 तक है तो वो प्रोडक्ट्स मुझे शो करने हैं, तो वो रेंज सिलेक्ट करके मैं यहाँ अप्लाई करूंगी तो मुझे सिर्फ वही प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर शो होंगे जिनका प्राइस इस रेंज के बीच में होगा। तो अभी से मैं फिल्टर को रीसेट कर देती हूँ। एफ अश्योर्ड, अगर ये फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करता है सेलर्स को, जिससे कस्टमर का ट्रस्ट जनरेट होता है उस सेलर के लिए कि ये जो सेलर है ये फ्लिपकार्ट पर एफ अश्योर्ड सेलर है, मतलब जेन्युइन सेलर है। नॉन एलिजिबल फॉर एफ अश्योर्ड, कौन से प्रोडक्ट मेरे एफ अश्योर्ड के लिए एलिजिबल है मैं वो चेक कर सकती हूँ, कौन से नॉट एलिजिबल है एफ अश्योर्ड के लिए उसका फिल्टर लगा के मुझे सिंपली अप्लाई करना है तो वो मेरे प्रोडक्ट यहाँ शो हो जाएंगे। तो ये इस तरह से सारे फिल्टर्स यहाँ वर्क करते हैं। इसके बाद होता है फ्लिपकार्ट में दूसरा एक जो मार्केट प्लेस आया था शॉपसी, तो उसके लिए भी लिस्टिंग ऐड करनी होती है। अब यहाँ पर हमें शॉपसी का बजट यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन शो कर रहा है, बट यहाँ कुछ भी अभी डिटेल्स ऐड नहीं की गई है फ्लिपकार्ट की साइड से। फुलफिलमेंट, अब सेलर के जो फुलफिलमेंट कर रहा है वो लिस्टिंग मुझे चेक करनी है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ सेलर ओनली करूंगी और चेक कर लूंगी। बट अगर आप फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस की सर्विस भी यूज करते हैं तो यहाँ वो ऑप्शन आपको विजिबल हो जाएगा। स्टॉक मुझे चेक करना है कि मैक्सिमम कितना स्टॉक है और मिनिमम कितना है, उसका फिल्टर लगा के मैं चेक कर सकती हूँ, तो वो मैं डिटेल्स यहाँ से देख सकती हूँ। साइज चार्ट, ऑब्वियसली ये सेलर क्लोथिंग सेक्शन में डील कर रहा है, तो किस किस प्रोडक्ट में इसका साइज चार्ट अवेलेबल है, किस में नहीं है, किस में इन प्रोग्रेस में है, वो सारे में फिल्टर लगा के यहाँ से चेक कर सकते हो। ये ऑप्शंस आपको सारे आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही शो होते हैं, बट इसमें से कैटेगरी, ब्रांड, लिस्टिंग प्राइस, एफ अश्योर्ड, प्रोक्यूमेंट टाइप, फुलफिलमेंट टाइप, ये सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो हर सेलर को शो होते हैं। प्रोक्यूमेंट SLA, कितने दिन का उसमें SLA है, मतलब जो सेलर अपने ऑर्डर्स रिसीव होने के कितने दिन के बाद उसे शिप करता है। लिस्टिंग क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, जैसे ये फ्लिपकार्ट ने इस लिस्टिंग को एक्सीलेंट की कैटेगरी में ऐड कर रखा है, तो मैं यहाँ से अगर मुझे एक्सीलेंट वाली चेक करनी है, एक्सीलेंट सिलेक्ट करके मैं अप्लाई कर दूंगी और यहाँ सारी एक्सीलेंट लिस्टिंग मुझे शो हो जाएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर फिल्टर शो होते हैं फ्लिपकार्ट की साइड से।
बट अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ हमें प्रोडक्ट डिटेल शो होती है, जिसमें प्रोडक्ट का SKU, प्रोडक्ट का टाइटल और उसके इमेज का आइकन हमें यहाँ पे शो हो रहा है। फिर लिस्टिंग प्राइस शो होता है। अब ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ प्लाई का, यहाँ पर अभी करंट प्राइस प्राइस अपडेट है 499, बट फ्लिपकार्ट हमें सजेस्ट कर रहा है 449। तो अगर सेलर को लगेगा ये प्राइस करेक्ट है तो वो सिंपली से अप्लाई कर देगा बेंचमार्क प्राइस, ये फ्लिपकार्ट हमें सजेस्ट करता है। अब अगर जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हमारे जैसे फ्लिपकार्ट पर लिस्टेड होते हैं उसकी लिस्टिंग प्राइस के अकॉर्डिंग हमें बेंचमार्क प्राइस सजेस्ट करता है और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। फाइनल प्राइस वो प्राइस होता है अगर सेलर ने अपनी प्रोडक्ट पर सेल प्राइस पर कुछ भी डिस्काउंट प्राइस दे रखा है, तो उसके बाद आपका फाइनल प्राइस मतलब सेलर का फाइनल प्राइस क्या शो करेगा वो आपका फाइनल प्राइस होता है। स्टॉक कितना अपडेट है, किस कैटेगरी में लिस्ट कर रखा है और फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट है या सेलर फुलफिलमेंट है। लिस्टिंग क्वालिटी यहाँ में शो करी जो कि मैंने आपको इस ऑप्शन में बताया था। ये है व्यू कैलकुलेटर, अगर आपने कोई भी अपना प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया फ्लिपकार्ट पर और आपको चेक करना है कि उस प्रोडक्ट पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा तो आप सिंपली इस कैलकुलेटर पर क्लिक करना। ये लिस्टिंग प्राइस है जो कि 599 सेलर ने लिस्ट कर रखा है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो यहाँ लिस्टिंग प्राइस ही शो हो रहा है नीचे और शिपिंग चार्ज टू कस्टमर। सेलर ने कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं ले रहा है कस्टमर से, इसलिए ये यहाँ पर जीरो मेंशन है। एमपी फीस मतलब मार्केट प्लेस की फीस, तो फ्लिपकार्ट चार फीस लेता है, एक कमीशन होती है, शिपिंग फी होती है, फिक्स्ड फी होती है और कलेक्शन फी होती है। ये उन के चार्जेस यहाँ पर शो कर रहा है। फिर जीएसटी ऑन मार्केट फीस मतलब इसके टोटल मतलब 207.84 पर इस पर 18% जीएसटी चार्ज कर रहा है फ्लिपकार्ट। फिर फाइनल जो बैंक सेटलमेंट होगी, अगर ये प्रोडक्ट सेल होता है तो सेलर को जो बैंक सेटलमेंट होगी उसमें 353 रुपीज की बैंक सेटलमेंट उसे फ्लिपकार्ट क्रेडिट करेगा इस प्रोडक्ट सेल होने पर। अगर मुझे शॉपसी पर डिटेल्स चेक करनी है तो मैंने यहाँ शॉपसी का फिल्टर लगाया और यहाँ पर लिस्टिंग प्राइस में मैंने 599 ही एंटर है और इसमें अगर मार्केट फी सेम है जो हम लोग फ्लिपकार्ट में दे रहे हैं, फिर जीएसटी और एमपी फीस, फिर बैंक सेटलमेंट, यहाँ तीन डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हमें शो करी। अगर मैं यहाँ पर ये प्राइस चेंज करती हूँ, अगर सपोज मैं 499 करती हूँ तो यहाँ बैंक सेटलमेंट भी आप देखोगे चेंज हो गई है। तो ये इस तरह से आप यहाँ से अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। इन्वेंट्री चेक करनी है तो सेलर की 100 यूनिट है इसमें से, स्मार्ट ओनली में मतलब उसने फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में कोई भी प्रोडक्ट नहीं रखा। क्वालिटी जो फ्लिपकार्ट ने इस प्रोडक्ट की रेटिंग के अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट को जो क्वालिटी का बैच दिया है वो एक्सीलेंट है, एफ अश्योर्ड है या नहीं है वो भी हम यहीं से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर फुलफिलमेंट ओनली स्मार्ट सेलर, दिस इज अ एफ अशोर्ड लिस्टिंग, ये बैच ऑलरेडी इसमें एडेड है। कैटलॉग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें उसकी सारी डिटेल्स शो हो जाएगी कि क्या क्या यहाँ पे साइजेस वगैरह थे, शर्ट में है, आइडियल फॉर वुमेन है, ब्रांड नेम है और रिफाइनरी फिट स्लीव्स, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ से देख सकते हैं। बायर क्वेश्चन, अगर किसी बायर ने इस लिस्टिंग पर कोई क्वेश्चन बायर साइट पर एड किया होगा तो वो हमें यहाँ पर शो हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पर ये लिस्टिंग किस तरह से विजिबल होगी वो हमें शो करेगा। ये इस तरह से बायर साइट पर लिस्टिंग शो हो रही है। फिर एफ अशोर्ड बैच इस लिस्टिंग पर है या नहीं वो डिटेल्स यहाँ पे शो कर रही है। इसी तरह से साइज चार्ट अवेलेबल है या नहीं वो भी यहाँ पर हमें डिटेल्स में शो कर रही है, क्योंकि ये फ्री साइज की लिस्टिंग है इसलिए इसमें साइज चार्ट नहीं ऐड है, इसलिए यहाँ पर ये रेड से विजिबल है। अगर हम इस लिस्टिंग को एडिट करना है तो हम एडिट लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसकी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग इसका SKU हम चेंज नहीं कर सकते, लिस्टिंग का स्टेटस हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, MRP सेलिंग प्राइस चेंज कर सकते हैं, फुलफिलमेंट वाय अभी ये सेलर फुलफिल कर रहा है इसलिए सेलर ऐड है, प्रोक्यूरमेंट टाइप और प्रोक्यूमेंट SLA यहाँ पर ऐड है, स्टॉक्स वगैरह, शिपिंग प्रोवाइडर कौन है, इसके डायमेंशन यहाँ ऐड कर रखा है, HSN नंबर ऐड है, टैक्स कोड और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल सब कुछ यहाँ पर ऐड कर रखी है। बट अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे, एडिट कैटलॉग पर क्लिक करेंगे, फ्लिपकार्ट की सिंगल लिस्टिंग की तरह ही सारी डिटेल्स शो होती है, तो आप यहाँ से अगर आपको इमेज में कुछ चेंजेस करना है आप एडिट पर क्लिक करके वो इमेज डिलीट करके और न्यू अपलोड करके अपडेट कर सकते हो। ऐसे ही आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अगर
आपको जो चेंज करना है वो आप यहाँ से कभी भी चेंज करके इसे यहाँ से आप सेव कर देना, वो डिटेल्स आपकी सेव हो जाएगी। एडिशनल डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ ऐड करना है तो वो डिटेल्स आप यहाँ ऐड कर सकते हो और देन इसे सेव कर देना और ये डिटेल्स भी आपकी ऐड हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं वापस से इसके सेकंड ऑप्शन पर। माय लिस्टिंग पर क्लिक किया, उसके बाद कॉपी लिस्टिंग। अगर इसी लिस्टिंग की कॉपी करके हमें कोई दूसरी लिस्टिंग बनानी है, आर्काइव में हमें लिस्टिंग ऐड करनी है, तो हम आर्काइव कर देंगे जिससे ये कस्टमर्स को शो नहीं होगी। डीएक्टिव कर देंगे इस लिस्टिंग को तो तब भी ये कस्टमर को शो नहीं होगी। मैनेज वेरिएंट पर क्लिक करेंगे तो वेरिएंट से रिलेटेड भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एडिशनल वेरिएंट हमें ऐड करने होते हैं। तो एडिशनल वेरिएंट ऐड करके या जो करंट वेरिएंट इसमें ऐड है उसे रिमूव करके चेंजेस करके सबमिट कर देंगे, ये अपडेट हो जाएगा और फ्लिपकार्ट के बायर साइट पर लाइव हो जाएगा। तो ये था आपका माय लिस्टिंग का कंप्लीट ओवरव्यू। इसके बाद इमेज एडिटिंग ट्रैकर और जो ये नीचे के रेस्ट ऑफ ऑप्शंस रह गए ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि किसका क्या यूज है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, बट अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।